छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अबे भाई जल्दी जल्दी अंदर चल, मेरा दिल कह रहा है आज कोई बुराई आने वाली है। बेटा बेटा मेरा बेटा अरे मेरा बच्चा, लगता है तुम लोग मेरे बेटे को खाने नहीं देते हो। बेटा तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गया हूँ, तेरे हिस्से का भी मैं खा जाऊंगा। बात सुनो भाई, ओ खा गया ना, खा चुका, मिल लिया आपने लगते जी घर से, अब जा चल। ओए होए ऐसा कह रहे, अब जा अब जा, जैसे इस इलाके का ऐसे तो लगा हुआ है। बात सुनो, तानी बेगम को बुला। तानी बेगम को बीच में क्यों ला रहे हो तुम? अबे इसलिए कि उसे पता चले कि आने जाने वाले मेहमान को रुकता कौन है, ये है कौन ये? अबे शाकिर तू, मतलब साइकिल से सीधा मोटरसाइकिल, सलवार कमीज से सीधा पैंट शर्ट, लगता है कोई बड़ा हाथ मारा है तूने। दादा प्रॉपर्टी का काम है और तुझे तो पता है कि इसमें कैसे झटके लगते हैं। एक बड़ी जमीन का सौदा कराया था, कमीशन ही लाखों में आया माशाल्लाह। प्रॉपर्टी के काम में इतना पैसा है? बहुत टाइट पैसा है और अपने पास पार्टियां भी बहुत हैं। अगर कोई जमीन अमीन है ना तो बताइयो, टाइट कमीशन दिलवा दूंगा। बात सुनो, मेरे पास भी एक बहुत बड़ा प्लॉट है, लेकिन मेरी पार्टी ने कहा है किसी खास आदमी को देना है। आप कौन? ये मेरे अब्बा, इनका भी लूटने का, मेरा मतलब प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा 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 अच्छा, तुम ऐसा करो और बाद में मुझसे मिलना, मैं तुमसे बात करूंगा मेरी पार्टी से बात करने के बाद। अभी तुम जाओ, बाद में मिलना। ठीक है ठीक है ठीक है, खुशी हुई आपसे मिलकर। अब्बा तुम चलो ना, इतने दिनों बाद आए अब्बा, आओ ना। आप यकीन करें तानी बेगम, जब इंसान दौलतमंद हो जाता है तो उसके पास फिक्रात भी बहुत आ जाती है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे आप ना, मेरे पास दौलत बहुत है, अब कमाने में खा ही नहीं सकता हूँ, मामूल से अटकता हूँ और पेट भर जाता है। जी जी नजर आ रहा है वो तो। गुलाम, ए गुलाम। भाई बैठा हूँ सामने यार। कहाँ पता है मुझे बैठा है तू? जा मेरे लिए एक लस्सी का गिलास का इंतजाम कर, मैं लस्सी पीऊंगा तो थोड़ा कुछ हजम हो जाएगा तो खा लूंगा थोड़ा सा। मैं आपके लिए गोरखन का इंतजाम कर देता हूँ। तानी बेगम, ये कहीं से भी आपका शौहर नहीं लगता, कहाँ ये और कहाँ आप जैसी नफीस खातून। अच्छा बेटा ये बताओ तुम कैसी हो, लड्डू से तुम तंग तो नहीं हो? क्या? नहीं मेरा मतलब है लड्डू तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं नहीं अब्बा, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। दरअसल हम बनाने में तो अव्वल नंबर हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है खाना बनाने में। हाँ खाना भी अच्छा बना ही लेता है, तो सारे काम कर लेता है। भाई साहब इतने दिन के बाद आना हुआ आपका, कोई खास काम है? बस भाई एक जरूरी काम से आया था, वो सामने वाला जो खाली प्लॉट है ना, खाली प्लॉट। जी जी भाई उसी सिलसिले में। अच्छा अच्छा आप खरीद रहे हैं वो प्लॉट? अरे भाई छोटे प्लॉट का मैं क्या करूंगा, मैं छोटे मोटे प्लॉट पे ध्यान नहीं देता। दरअसल ये प्लॉट तो मेरे क्लाइंट का है, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। कितनी कीमत है उस जमीन की? अरे भाई यही कोई 20 करोड़। अच्छा अच्छा, कोई पार्टी लग गई या मैं अपने किसी इन्वेस्टर से बात करूँ? बस टोकन के साथ बुलाइएगा। क्या कर रहे थे ये? हाँ रहस्य के मेरा एक ही ठिकाना, यहाँ से भी लात पड़वाओगे मुझे? मैंने क्या किया? ये अपने जमीन शमीन के कारनामे ना कहीं और जाके चलाना मेरी सास के साथ नहीं। बहुत अच्छे, अपने ससुराल के तो ऐसे गुण गा रहा है जैसे उसने तुझे पैदा किया है। अब्बा भूलो मत, पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा अफजल होता है। और तू भी मत ये भूल कि जिसने तुझे पाला है, जिसने तुझे पैदा किया है और जिसने तेरी शादी की है वो मैं हूँ, और मैंने ही तेरा यहाँ एडमिशन कराया है। वो तो ठीक है अब्बा, मगर अपनी ये जमीन कहीं बाहर वालों को बेचो, ये तुम्हारे डसे हुए मुतासरीन यहाँ पर आ जाते हैं। क्या अपने बाप को सांप से तस्बीह दे रहा है? अरे नहीं वो तो मैं मुहावरतन बोल गया। बहुत अच्छे, जिसे अलीफ नहीं आता था अब वो मुहावरे बोल रहा है। हाँ अब्बा अब तो अपने मतलब की बात मैं पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, और ये आपने मुझे नहीं सिखाया था। ठीक है एक बार जमीन बिकने दे, टोकन मेरे हाथ में आ जाए तो फिर तुझे भी मार।
माल का। है वाकई सच्ची, पिछली बार की तरह धोखा देके तो नहीं जाओगे? तेरे सर की कसम। अरे मेरा अब्बा अम्मा को क्यों नहीं लाए? फिर अम्मा याद दिला दी, फिर अम्मा याद दिला दी। ओए अंकल माशाल्लाह आप बहुत जॉली इंसान है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई लेकिन मुझे नहीं हुई बिल्कुल खुशी। अगर आप मेरा प्लॉट बिकवा दोगे तो मुझे खुशी होगी। तो अंकल आप मुझे बताइए कौन सी जमीन है आपकी, मैं नहीं बिकवाऊँ तो नाराज होइएगा ना। ऐसी बातें कर रहे हो, ये इसी प्लॉट पे तो हम खड़े, ये देखो ये चारों तरफ जो प्लॉट है ये मेरा ही तो है। अच्छा ये जमीन। आहिस्ता बोलो, ये मेरे दोस्त का प्लॉट है और मेरे दोस्त ने कहा है किसी एरे गेरे नथू घेरे को नहीं बताना, काम के आदमी को बताना। आपका दोस्त क्या मांग रहा है जमीन के? 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़? मैं पार्टी से बात करता हूँ। ठीक है तुम पार्टी से बात करो लेकिन मेरी बात सुनो कान खोल के, अगर जब तुम वापस आओ तो टोकन मनी के साथ आना, ऐसे नहीं आना, और टोकन मनी भी हो 30 लाख रुपए। मुश्तरी और सूरज आपके सितारे के आखिरी घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सूरज पहले घुस गया ना तो आपके इज्जत का सितारा जल के भस्म हो जाएगा। हैं तारा बाबा, फिर क्या होगा? बात सुनो, ये तानी बेगम को तुम क्यों डरा रहे हो? भाई साहब ये बहुत बड़े नजूमी हैं, मैं इनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती। अच्छा कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? बच्चा ये मुश्तरी मिर्रीख अतारुद और पता नहीं कौन कौन सी कहकशाएं हमने देखी हुई है। भाई फिर तो आप बहुत ही पहुंचे हुए आदमी हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, मरीख पर आजकल प्लॉट के क्या खरीदो फरोख हो रही है, क्या रेट चल रहे हैं मरीख पर? लो अभी तो आपने कहा कि मैं मरीख पर जा रहा हूँ और मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ। तुम्हें ये नहीं पता मरीख पर बहुत सारी सोसाइटियां बन रही है, प्लॉट की खरीदो फरोख भी हो रही है। नहीं मुझे तो... तानी बेगम जी कौन है? ये मेरे समधी हैं रशीद साहब, लड्डू के अब्बा। जी हाँ मेरा जमीन की खरीदो फरोख का काम है और चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो चाहे वहाँ हो। बात सुनो अगली दफा तुम्हारे जाने का कब प्रोग्राम है? कहाँ? मरीज पर और कहाँ पे? मुझे साथ ले जाओगे? लो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये हर रोज मरीज पर जाते हैं। अरे तानी बेगम आपको नहीं मालूम वहाँ जिंदगी आबाद करने का प्लान हो रहा है और वहाँ प्लॉट बिक रहे हैं। आपको बताऊं मैंने तो 4-5 प्लॉट बेच भी दिए। अरे भाई साहब किसको बेच दिए? किसको बेच दिए? ट्रम ट्रक को, गुदी को, और किसको नहीं बेचे, इसको बेचे उसको बेचे सबको बेच दिए। मुझसे पूछ रहा है कि किसको बेचे? यार ये तो मुझसे भी भारी निकला यार। हर शेर पर सवा शेर होता है। तारा बाबा रशीद साहब तो अभी भी हमारे घर के सामने वाला प्लॉट बेच रहे हैं, इन्हीं के क्लाइंट की है वो जमीन, 20 करोड़ रुपए की है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। क्या तुम भी चलते हो? चल के दिखाओ। भाई आप लोग बैठे मैं जा रही हूँ। अरे हाँ तारा बाबा आप मुझे बता रहे थे ना कि सूरज और मुश्तरी मेरी किस्मत के सितारे में घुसने वाले हैं, तो अब क्या होगा? अरे रहने दीजिए, जिसने घुसना था वो घुस गया, अब क्या खाक को घुसेगा? चलिए मैं भी चलता हूँ। बैठो। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लोग मेरी बात का एतबार करते हैं। तो ठीक है फिर तुम लोगों को बताओ कि वो सामने वाला प्लॉट बिक रहा है, अगर तुमने वो प्लॉट बेच दिया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए कमीशन दूंगा। 10 लाख रुपए? हाँ हाँ चुंदी चोर 10 लाख रुपए। बस मैं पार्टी का बंदोबस्त करके यूं आया। अब्बा क्या है तुम अकेले अकेले आए हो, तो कभी अम्मा को भी लेकर आओ ना। अम्मा याद दिला रहा है, अम्मा याद दिला रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं मैं फिर भी पूछूंगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। बेटा अपने ससुर को बताओ कि क्या हो रहा है। अरे क्या है ना सुसर जी, अब्बा सामने वाली जमीन का सौदा कर रहे, वहाँ से कमीशन मिलेगा 20 लाख और अब्बा मुझे देंगे 10 लाख। अच्छा 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 10 लाख? बस यही तुम गरीबों का कसूर है, 10 लाख का नाम सुनते ही जबान लड़खड़ा देती है। रशीद भाई, रशीद भाई बात सुनो,
किसी तरीके से भी मुझे इस डील में शामिल कर लो यार। अरे भाई मेरा क्या है, मेरा तो सब कुछ लड्डू का है, और लड्डू का सब कुछ तुम लोग हो, और लड्डू का जितना कुछ है सब कुछ मेरा है। क्या मतलब? अरे मतलब को छोड़ो, बस अगर तुमने मेरा साथ दिया इस डील में तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अच्छा ये इसके लिए मुझे करना क्या होगा? ओ भाई छोड़े करना, वरना क्या है, मैं बताऊंगा क्या करना है। क्या करना है? अरे रशीद भाई, मेरा रशीद भाई प्यारा प्यारा, क्या कर रहे हैं आपके लिए? क्या लाऊं खाने पीने के लिए? चाय लाऊं, कॉफी लाऊं? जो पड़ा है वो ले आओ। वाह 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 वाह, क्या खूब सूट कर रहा है ये किरदार आपको। अब तो हम दोनों अपने अपने किरदारों में बहुत सूट कर रहे हैं। अरे सुसर जी मैं तो मजाक कर रहा था, अब तो सीरियस ही हो गए। यार लड्डू यार ये इस प्लाट की डील कब होगी यार, ये जल्दी से हो जाए भाई। हाँ मगर सुसर जी एक बात बताएं, आप इतने पैसे कब करेंगे? क्या बात है यार, वॉशिंग मशीन, नए चूल्हे ऑटोमेटिक आए, नए बर्तन, नई पतीलियाँ। बस 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 बस, इतने पैसे लखपति होने के बाद भी सोच वही गुलामों वाली, रहने दे सुसर जी। तुम क्या करोगे? मैं जाऊंगा अमेरिका, मैं जाऊंगा लंदन, मैं जाऊंगा यूनान, और घूम फिर कर वापस आऊंगा। आऊंगा वापस आऊंगा ना, तो आना तो यहीं पड़ेगा ना, फिर वही कपड़े बर्तन झाड़ू। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी पैसे नहीं मिले। देने वाले तुम्हारे अब्बाई हैं, ना दिए तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझे? ये तो गलत बात है सुसर जी, किसी के किए की सजा आप मुझे क्यों देंगे? अब अपने फर्जूदा ख्याल से बाहर निकले और मेरिट पे फैसला करना सीखे। हाँ बकवास बंद करो यार, ये बताओ मुझे कब तक इस तरह डंडा पकड़ के यहाँ बैठना पड़ेगा यार? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब्बा का हुक्म है आपको यहाँ से हिलना नहीं है। अब्बा का हुक्म है? पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, नहीं चाहिए। अंकल ये है इन्वेस्टर। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अना इरादा इला शरल अर्ज। भाई इनसे बोलो कि आसान अरबी में बात करें, मैं समझ तो सकूं। अना इरादतुन खरीदतुन वल प्लॉटुल खालिया। अंकल आप फिकर नहीं करें ना, मैं हूं ना, मैं बता दूंगा आपको क्या कह रही है। अरे भाई इतनी तो अरबी मैं भी समझता हूं। हां तो शेख साहब आप जमीन लेने के लिए तैयार हैं? नजारतुल प्लॉट या व शर्त जरूरी वाला। ये कह रहे हैं कि पहले प्लॉट देखेंगे, प्लॉट देखे बगैर सौदा नहीं करेंगे। भाई जरूर जरूर, क्यों नहीं, आइए मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ। कई फासला तो जमीन है जगह मखसूस है। ये कह रहे हैं कि जमीन यहाँ से कितने फासले पर है? ऐ शेख साहब यहाँ से बाहर निकलते ही सामने जमीन है। मैं चलता हूँ। माफ कीजिएगा, आप लोगों की कोई मीटिंग चल रही है क्या यहाँ पर? अरे नहीं तानी बेगम, ऐसी कोई खास मीटिंग नहीं चल रही थी। अरे आपका आना भी बाई से फक्र है। प्लॉट खासिया कन्फर्म खरीदतुन, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जमीन अंत खूबसूरत, डील मंजूर। अब्बा जी मुझे लगता है इनको कोई गलतफहमी हो रही है। बिल्कुल सही कह रही हो, चलो तुम अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। स्टॉप स्टॉप डील इंटरनेटन टोकन इंटरनेटन रखबुल बकवास या ना ब्लेंस या काटा तुम। टक 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 टोकन टोकन वाली, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, टोकन बुलिंगो पोकन बुलिंगो, चले आप अंदर चले। हमारे प्लाट पे कब्जा हो रहा है, हम दूसरों के प्लाट की चौकीदारी क्यों करें भाई? अरे तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब है अब्बा? अरे भाई मेरे होते हुए आंच भी नहीं आएगी। शागिर तू ये कैसी पार्टी लेकर आया? अदायगी मुमकिन है तो दुगनिया, अंत दोबारा सोचो। सोचे तू न्यू 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 निकाल तो बाहर, बाहर निकाल तो अभी करी। अबे बच गए यार, बच गए। अबे यार मुझे तुम्हारे अब्बा से ये उम्मीद नहीं थी यार, मैं तो समझा कि पैसे के। बस कर दे सुसर जी आप, मेरे अब्बा फ्रॉडी हो सकते, एक नंबर के धोखेबाज हो सकते, चोर चक्के भी हो सकते, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते जैसा आप सोच रहे हैं। बात सुनो, मैं तुम्हारे अब्बा से मिल चुका हूँ और अच्छी तरह समझ चुका हूँ उनको। कोई काम ऐसा नहीं करते जिसमें फायदा ना हो उनका, और इस काम में भी उनका कोई ना कोई फायदा है। खैर हमें क्या भैया। अच्छा ठीक है सुसर जी, मैं आपको ना चाय भिजवाता हूँ घर से। भिजवाता नहीं हूँ, चाय लेके आओ और वो भी दो। क्यों? दो चाय लेके आओ, एक चाय मैं पीऊंगा और एक तुम बैठ के पियोगे।
भाई ये अच्छी जबरदस्ती है। मैं अकेला नहीं बैठूंगा, तुम भी मेरे साथ बैठोगे। नहीं भाई, जाओ चाय लेके आओ। चाय मैं पूछ रहा हूँ, ये पार्टी है या ब्रोकर? ये कैसा सवाल है? अरे सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि तुम पार्टी हो या ब्रोकर? अरे बाबा भाई, मैं पार्टी हूँ, ब्रोकर तो ये है। मैं तो कहता हूँ डील फौरन डन कर लें, क्योंकि सरतार इनकी किस्मत के चौथे घर में दाखिल हो गया है। यार फिर तुम शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि ये मत बोला करो, मेरी खाता मरी जाता है। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है? अरे जब तक बनने वाले मौजूद है, बनाने वाले तुम्हारे आएंगे। बेशक। अरे भाई, तारा बाबा ने जब कह दिया कि जमीन खरीदनी है तो खरीदनी है, बस। मैं तो तारा बाबा पे अंधा एतबार करता हूँ। अंधे तो खैर है, मेरे मतलब है एतबार के मामले में। हेलो, हाँ लगा दे 20 लाख की लगा दे, आखिरी ओवर में 1 रन बनेगा। अरे भाई अभी जो कुछ करना है ना जल्दी करो, मेरे को मैच भी जाके देखना है। क्या है नी, सट्टा चालू हो गया है। अच्छा तो फिर चले, मैं आपको जमीन दिखाता हूँ। चले चल। आए 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 आए, ये देखिए सारा प्लॉट है। कैसे हो गुलाम? हाथ यार पीछे हाथ, कैसे हो? आपकी दुआ और आसरे हैं आपके। ये हमारे इस प्लॉट का रखवाला गुलाम है। अच्छा, जमीन के साथ ये गुलाम फ्री में मिलेगा क्या? अरे मैं माजरत चाहता हूँ, ये हमारा नस्ली गुलाम है, मेरा मतलब है ये हमारा खानदानी गुलाम है। आप इस जमीन पे कब से हो? मैं इसी जमीन पे पैदा हुआ हूँ। पहले यहाँ हॉस्पिटल थी क्या? देखे पहले जमाने में बच्चे कहीं भी पैदा हो जाते थे। अरे बहुत होशियार गुलाम है आपका। मैं जमीन के 30 करोड़ के साथ इस गुलाम का 1 करोड़ अलग से देने को तैयार हूँ। क्या 1 करोड़? मैं तो कहता हूँ जमीन का सौदा छोड़ के इन्हीं का सौदा कर डाले। चुप कर। तो क्या मैं इस प्लॉट की डील कंफर्म समझूं? तो मेरी पार्टी से कब मुलाकात करवाते हो? अरे सर पार्टी मैं ही हूँ, ये प्लॉट मेरे गहरे दोस्त का है और उसने मेरे नाम कर दिया है। और अगर तुम्हें पार्टी से मिलने का बहुत ही शौक है तो 2-4 दिन लगेंगे, मेरा पार्टी मरीख पर है। मरीख? क्या ये जमीन का मालिक कोई खलाई मखलूक है क्या? अरे नहीं साहब, नहीं, बात ये है कि मेरा पार्टी जो है ना, यानी मेरा दोस्त मरीख गया हुआ है, वहाँ पर नई सोसाइटी की कुछ लेन देन के लिए गए हुए है। भाई तुम तो वहाँ जाते रहते हो, बताओ ना इन्हें। अरे मेरी तो उनसे मुलाकात होती रहती है, बस 2-4 दिन में आने वाले हो। बस आप मुझे प्लॉट के सिलसिले में कुछ टोकन दे दे ताकि मैं पार्टी से बात कर लूं कि सौदा पक्का हो गया है। कितना टोकन मांगता है तेरे को? 30 लाख रुपए। बेटा लड्डू एग्रीमेंट निकालो और साइन करवाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अभी आप लोग भी यहाँ पे करें। भाई तुम दोनों भी यहाँ साइन कर दो, चलो चलो गवाह के तौर पे। गुड, तुम भी गवाह के तौर पे साइन करो। मुबारक हो। ये लो, ये पूरे 30 लाख रुपए हैं, गिन लो। अरे कैसी बात करते हो, अगर कम हुए तो तुम कहाँ जा रहे हो और ज्यादा हुए तो हम कहाँ जा रहे हैं, अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। लाए मैं ये पकड़ लूँ। चुप, तुम बच्चे हो, कोई ले लेगा तुमसे। हाँ तो बस मैं कल से यहाँ प्लाजा बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। अभी से कराओ, इस वक्त कराओ, हमें कोई परवाह नहीं है। तो फिर तुम लोग जाओ। भाई भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, समझ नहीं रहे, खामा खाई। हो अजीब आदमी है आप लोग। अरे क्या बात, क्या है, क्या बात है? अब्बा मेरा कमीशन तो दो। मेरा भी? अरे सबसे पहले मेरे पैसे भाई। मुझे वहां डंडा पकड़ा के तो प्लाट पे चौकीदार बना के बिठा दिया यार। खामोश, जाहिलो, बेवकूफो, गरीबो। अरे ये रकम पार्टी को देनी है, टोकन मनी है। जब ये रकम मैं पार्टी को दूंगा तब सौदा होगा। हमारे पैसे? पूरी पेमेंट के बाद रकम मिल जाएगी। क्या बात, सुनो
मैं ये पार्टी को रकम दूंगा, फिर पार्टी से डील होगी और फिर तुमको रकम मिलेगी और तुम लोग माला माल हो जाओगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, पार्टी को ये रकम देता हूँ और डील करता हूँ और इसके बाद तुमको रकम मिल जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले तो बनाएंगे। हेलो ये भाई, मशीनरी जल्दी भेजो, मैं आज ही यहाँ शॉपिंग प्लाजा का काम शुरू करवाना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई बात सुनो, चुप करो, सबर करो, यहाँ पार्क ही बनेगा, ये सरकारी जमीन है। हाँ भाई क्या हो रहा है इस जमीन पर? तेल निकाल रहा हूँ तेल। अरे देखता नहीं है, प्लाजा का काम शुरू करवा रहा हूँ। चुप कर, आराम से बात कर मेरे साथ, मैं मालिक हूँ इस जमीन का। अच्छा तो वो तू है जो इस जमीन पर प्लाजा बना रहा है? ये जमीन सरकार की है। पागल पागल तो नहीं हो गया? किसने तेरे को बोला कि सरकारी जमीन है? अरे भाई 100% निजी जमीन है और मैं इसका मालिक हूँ। और बहस ना कर, मैं सरकारी अफसर हूँ, ये गवर्नमेंट की जगह है और तू यहाँ कब्जा करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, मैंने खरीदी है इसकी और मैं मालिक हूँ इसका। और जब सरकार ने ये जमीन बेची नहीं है तो तूने खरीदी किससे? इनसे। ओए ये सरकारी जमीन तूने इसको बेची है? लगता है तेरे अब्बा ने काम दिखा दिया। कमीशन मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल कमीशन मिलेगा। अरे ठहर, हमारा एक आदमी रह गया। अरे तारे बाबा जल्दी जल्दी आ, कमीशन मिल रहा है। कमीशन कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। हाँ भाई तुम भी शामिल हो इनके साथ? हाँ जी अब भी मिलेगा कमीशन मिला। हेडक्वार्टर मैंने कब्जा माफिया का पता लगा लिया है, जल्दी से नफरी भेजो। सलीम हो या अकबर, बाबर हो या हुमायूं, सबको पता चलना चाहिए जो मैं कह रही हूँ ना। कान खोल के सुन ले आप लोग, हम आपकी हर बात एक कान खोल के सुनते हैं। क्या? नहीं नहीं लड्डू, अगर मम्मा को पता चल गया ना तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी वो। ये मम्मी जी की आखिरी ख्वाहिश नहीं जाते जाते। तुम्हारी तनख्वाह कितनी बेटा? 8,000 साहब। अच्छा तुम्हारी तनख्वाह 8,000 नहीं 16,000 है। क्या सर? ये लंबा हाथ था, लंबा हाथ, ये देखो। आप पोछा लेके खुद ही शुरू हो गए? तो यार ये तो हमारा रोज का काम है भाई। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन? मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।